नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अरे उधर जाके देखो, देखो लड़के वाले किसी वक्त भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ। सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ हाँ, सब तैयार है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, संभाल के सेठ जी, लगता है वो लोग आ गए। हाँ हम बने। आज घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन? तू काम कर, चल चल। देखो भाई जी, सर जी घर में दुनिया भर के कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सर जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते। ए, चुप रे, चुप। सर जी सॉरी, सर जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा बोतल, तेरा सत्यानाश हो। क्या करूँ, कोकिया का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या? दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। हाँ। अब क्या करेंगे? सेठ जी आ गए। कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर, एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रही क्या बोला तू? 5 दिन, 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा, 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है, मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी, उस जमाने में 1 लाख रुपए दिया था इस तस्वीर का हमने, आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी मेरी घड़ी, तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन आ रहा हूँ। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। घड़ी? ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। आ, 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 भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा, वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। आया आया। ए चिंतन इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाव, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाव? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ, देख देखना कोई देख तो नहीं। हाँ देख रहा हूँ ना। कांच से साफ करो। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाए। जल्दी कर, जल्दी कर। अरे क्या हुआ? इसने रंग फेंक कर सारी मिठाइयां खराब कर दी, और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है। बुरा ना मानो, होली खोरो, हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे, हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ है तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कर आओ, यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो रस्म के लिए। ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चढ़ है। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ जेब में, दू तेरे को, दू अंदर से निकाल के। साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? मुंसिपालिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। जा चल। रोक 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 रोक, ये ले
बासमती चावल दो तीन दिन चला लेना। लाए तो एक हफ्ते का ही खरीद लाते। अरे खरीदा नहीं है, घर से चुरा के लाया हूँ। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लेकर हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है, तू काम कर जाके चल। शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया है। कैसा चल रहा सब कुछ? दाल चावल तो है भाऊ, पर पकाने की जगह कहाँ है? वो भी मैं ही ढूंढू, दल्ला हूँ गाँव का। अरे उस घर में जगह है पकाने के लिए, लेकिन उधर की हिडम्बा मना कर रही है। फिकर मत करो। हाँ मैं पटाता हूँ उसको। अरे वो नहीं पटेगी। दिखाओ दिखाओ। जी नमस्ते। आपने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन आपने सुना होगा मेरा नाम सचिन। सचिन के बारे में? सचिन तेंदुलकर? नहीं नहीं, तेंदुलकर नहीं, सचिन टिचकुले। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का मालिक। वो म्यूनसिपालिटी का बस स्टॉप जो है 30 लाख का मेरी कंपनी ने बनाया। सत्यम हाउसिंग कॉलोनी 100 करोड़ की, वो भी मेरी कंपनी ने बनाया। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी वर्ल्ड फेमस है। ओ ठेकेदार। हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं बनवाना है। जी मैं काम मांगने नहीं आया हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास तो इतना काम है, इतना काम है कि वो करने के लिए मेरे पास मजदूर कम पड़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें क्या मजदूर दिखती हूँ? नहीं नहीं दीदी, क्या है मैं अपने मजदूरों का बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे मजदूर मेरे भगवान जैसे, सारा दिन मेहनत करते रहते, अगर सही वक्त पर उनको खाना नहीं मिले तो बेचारे थकार के टूट जाएंगे। दाल चावल बिल्कुल तैयार है, बस दीदी इतनी सी जगह चाहिए आपके घर में पकाने के लिए, बस इतनी सी जगह। पर मेरे मैनेजर ने बताया आपने उनको मना कर दिया। मुझे मेरे पति से पूछना होगा। दीदी आप मुझे अपना देवर समझिए, खाली एक दो दिन की बात है, मजदूरों का भला हो जाएगा, आपको दुआएं देंगे। प्लीज दीदी, दीदी आपको मेरी कसम है। ठीक है, लेकिन ये काम फटाफट हो जाना चाहिए। अरे दाल खिचड़ी बनाने में कितना वक्त लगता है दीदी, फटाफट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, आई शपथ। अच्छा बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बस दया चाहिए। अच्छा मैंने तो उसी वक्त बोला था वो हिडिंबा नहीं पटने वाली, तब छाता लेके दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ? वो लोग मान गए हैं। तो फिर ऐसे कीचड़ में बैठे सुअर की तरह सुस्त क्यों लग रहे हो भाव? मेरे सर में दर्द है, मैं कल आता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। जाड़े में पनी खाना है। रंगीले, हाँ तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ए ले रे। ए हाँ खाली नमक चाहिए ना? हाँ अभी ला के देता हूँ, जल्दी ला के दे। बेंजी बेंजी थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर पानी उबाल। बंदर क्या जाने आता है। ये लो। कचरा कितना है। तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं नहीं साले। अरे क्या हुआ?
इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे भैया, खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ साले कुत्ते। राम साले, राम ज्यादा साला, आज तेरे तेरी माँ का रुक साले साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा कमीने साले। रुक 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 रुक, क्या हुआ? पूरा दिन खाना नहीं खाया सबने। क्यों? वो हिडिंबा के पति ने मार मार के सबको बाहर फेंक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डब्बा भी उलट दिया। भाऊ समझ गया कौन है इसके पीछे। तूने कुछ किया नहीं? मैं जाता तो मुझे भी दो चार पड़ जाती भाऊ। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूँ साली को कि मैं कौन हूँ। साली नहीं भाऊ, साला, साले ने मारा इसको। सब जानता हूँ। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाऊ। उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी चार पांच गालियां दी और मुझे भी चार पांच ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया इसलिए हाथ रुक गया। निकल, निकल बाहर। कौन है? बुलाओ उस मोटे को बाहर। मेरे मजदूरों को पीटने वाले उस राक्षस को बाहर बुलाओ। इस टिचकुले के लिए उसके मजदूरी सब कुछ है, याद रखना। मजदूरों की आंखों में आंसू का एक बूंद भी देखता हूँ ना तो ये चूहा शेर बन जाता है। ए मिस्टर। ए खबरदार, जो मुंह खोला तो अपना, चुप करके बैठी रहे। उसको बाहर निकाल अपने भाई को, नहीं तो लात मार के दरवाजा तोड़ दूंगा। बाहर निकल यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तेरे पति ने मेरे मजदूरों को गाली दी है, उससे मैं बदला ले के रहूंगा। उस भिखारी को मुझे घर में घुसने नहीं देना चाहिए। सलिया घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर। एक तो मजदूरों को मारती है, ऊपर से बकवास करती है। ए मिस्टर, जो वाहियात हरकत उसने की है उसके लिए तो इतनी मार भी कम है। तेरे आंखों में डाल दूंगा ये छाता। जा बुला अपने भाई को, उससे ही बात करूंगा मैं। मैं वैसे भी औरतों से बात नहीं करता, मर्दी बात करेंगे आपस में। तो तब आना जब वो घर पे होंगे। ओए ओए, वो कूतरा घर पे नहीं है। बोल देना उसको कि कॉन्ट्रैक्टर टिचकुले उसकी हड्डी पसली निकाल के डांडिया खेलने वाला है और साथ में उसको जला के उसकी राख से पूरा गाँव दंतवंचन करेगा। बोल देना उसको। और हाँ, गांव वालों को पूछ लेना कि जिन जिन लोगों ने टिचकुले साहब के साथ पंगा लिया ना उसको अपना परिवार देखना भी नसीब नहीं हुआ, समझे? चलो। उठो भैया, उठो भैया, उठो। क्या हुआ? देखो बाहर कौन आया है। बाहर पुलिस आई है। पुलिस? वो जबरदस्ती मेरे घर में घुसाया, औरतों को दबोचा और गाली गलौज की। उसने आपके साथ कुछ नहीं किया? अरे मैं घर पर होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देता। उसे तो बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हरीश, माँ की ममता जाग गई आज। मैंने सुना नीरा नदी का पुल जब बम से उड़ा दिया तो आपने और बाबूजी ने मुझे दोषी ठहराया। और ये नालायक कुछ भी आड़ा टेढ़ा करे तो अच्छा है, बच्चों का खेल है। ये केस बहुत पेचीदा होने वाला है, बहुत सारी धाराएं कल में लगने वाली है इस पे। घर में घुसपैठ, बलात्कार करने की कोशिश, देखना बहुत लंबे समय तक जाने वाला है ये अंदर। हाँ, ये सब केस झूठा है। इस पेटू ने मेरे मजदूर को मारा। मारा और मारूंगा। तेरे चमचे इतने नीच और हलकट है, घर में जब औरतें ना रही थी तो घुस के झांक रहे थे। अब ऐसी हरामी गिरी होगी तो आप क्या करेंगे? पकड़ के चुम्मा चाटी करेंगे? मेरे मरने के बाद ये सब नहीं कर सकता था तू। बाबूजी मैं जी, चलो मैं देखना चाहता हूँ इस देश में सच्चाई की कीमत है कि नहीं। और मैं जानता हूँ ये कांड के पीछे कौन है। वो ही है। पहली बार इस घर में पुलिस आई है। वो पहले भी आ सकते थे लेकिन आप लोग घूस दे के निकल जाते हो। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं फंस गया। चल बे हलवाई। ओ पीछे पीछे चल, अंदर चल। वो सब बोलने के लिए है, तुम पीछे जाओ। ड्राइवर बैठा हुआ, आप आइए भाई साहब, आइए। अरे चोरी पे सीना चोरी। सुन, देखना भाग नहीं जाइए। माँ तू मेरी फिक्र मत कर, अंडे उबाल के रख, मैं अभी आया। चलिए भाई साहब।
बाबूजी सोए हैं क्या? तुमने ऐसा क्यों किया भैया? मैंने क्या किया गुड़िया? मैंने कोई गलत थोड़ी किया, मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं है। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगी? अरे गुड़िया मेरी बात सुनो, गुड़िया गुड़िया बलात्कारी आया, बलात्कारी बकवास बंद करो, समझे ना? क्यों तू कर सकता है, हम बोल नहीं सकते? चले ए, चल ए, चबरो, ए, बात बोल लोगो। मेरी माँ, माँ मैं तुमको समझाता हूँ, कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी कसम। बस मैंने कुछ ऐसी हरकतें करता है तो आप माँ मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप खामा खाम भैया आप ही सुनो भैया भैया। माँ ओ माँ, काम वाली भाइयों को बोलो रात को दरवाजे पे कड़ी मार के सोया करे, छुट्टा सांड घूम रहा है घर पे। मेरी बाबूजी माना मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा, मैं सच्ची कह रहा हूँ बाबूजी मेरी। अरे नलायक, तू तो इससे भी घिनौनी हरकत कर सकता है, क्योंकि तू पैदा हुआ है ग्रहण के दिन, मनहूस कहीं का। हाईवे प्रोजेक्ट 3000 करोड़ का है, इसको पाने के लिए हमने मिनिस्टर को 500 करोड़ दिए हैं, 200 करोड़ कुछ पार्टी फंड में गया होगा। सब कुछ नेता लोगों को खिला दोगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा तंबोरा? देखो सिन्हा साहब, कागजों में ये सड़क सीधी जा रही है, अगर हमारा कुछ फायदा होगा तो ये सड़क हम झील की तरफ से मोड़ देंगे जहाँ आप लोगों की जमीन। आप सोच रहे हैं उतना हम नहीं बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, हमें सब पता है कि आप कितना बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, हैं? खैर छोड़िए, जब हम ये सड़क आपके एरिया के पास से लेके जाएंगे तो जो किसानों को आपने बेवकूफ़ बना के ज़मीन खरीदी है 1000 रुपये एकड़ के हिसाब से, उसका तो दाम हो जाएगा ना 20000 रुपये एकड़। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पैसे आप कमा रहे हैं उसका सिर्फ 5% हमें दे दीजिए तो हम ये काम कर देंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा है। देखो ये हम आपकी शक्ल देख के नहीं कर रहे हैं, ये संजय राणा की वजह से कर रहे हैं, समझे? अब देखो ये सड़क या हाईवे ये सरकार किस लिए बनाती है? ताकि लोगों का और माल वाहतुक का आवागमन तेजी से हो, देश का विकास तेजी से हो। अब देखो ये सड़क आपकी जमीन जहाँ है वहाँ से मोड़ेंगे तो आप लोगों का ही विकास होगा ना। अब आपका विकास हो रहा है तो हमारा विकास करो ना, है? हमारा विकास है ना देश का विकास, है? अब देश के विकास की किसको पड़ी है, हम यानी देश क्या? अबे रुक 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 रुक, पीछे ले, पीछे, बस 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 बस। हेलो अंजलि, कॉलेज जा रही हो? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो छोड़ देता हूँ। नहीं मैं बस से चली जाऊँगी। अरे चलिए ना। नहीं सोके। कम कम चलिए चलिए। अरे मैं छोड़ दूँगा, आइए। अरे चल बे। क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं। वो सब ठीक है, मेरी मंत्री जी से सारी बातें हो चुकी हैं। आप लोगों का मुद्दा जो है वो अगली असेंबली में रखा जाएगा। वैसे कल के मोर्चे के लिए क्या हो रहा है? बस तैयारी हो गई जी, चल रहा है। नमस्ते। यहाँ कैसे आना हुआ? जी मुझे ज़रा एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, सबके सामने नहीं। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी, चलो जी। बहुत बड़ी बात है, आपने मेरे भाई को बचाया। अरे नहीं, वो समाज सेवा करना तो फर्ज है मेरा। पर इसका ये मतलब तो है नहीं कि मेरी बहन का बीच रास्ते में हाथ पकड़ लेना, उसे छेड़ना, वो समाज सेवा तो है नहीं, है ना? सिर्फ हरीश टिचकुले उसका भाई नहीं है, बल्कि सचिन टिचकुले भी उसका भाई है। और जब भी कोई मवाली किसी की बहन को छेड़ता है तो भाई का भी कोई फर्ज बनता है, और वो फर्ज ये। मुझे मालूम है तेरा धंधा क्या, समझे ना? गुंडा गड्डी मारा गड्डी, पर ये सब हथकंडे मुझ पर मत आजमाना, समझे? तेरी लाश भी नजर नहीं आएगी। और ज्यादा अकड़ मत, ये मत भूलना कि आगे पीछे मेरा रोने वाला कोई नहीं है। और ये तेरा पॉलिटिशियन भाई है ना, ये तेरा पॉलिटिकल इमेज बनाने के चक्कर में है, लेकिन जब बाहर लोगों को पता चलेगा कि लड़कियों को छेड़ने के मामले में तू पिटा गया तो तेरी इमेज का भरता बन जाएगा। अभी बाहर किसी को कुछ बताना मत, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने तेरे कान के नीचे बचाया, समझे? बोलना मत कुछ, माल वाल सही बना, कंघी तेरे जेब में, निकाल पिछवाड़े से।
ठीक है, स्मार्ट बन, हंसते हुए चश्मा ले ले, हंसते हुए चलेंगे बाहर, दोस्त हैं हम लोग दोस्त। आइए आइए आइए, जो कुछ समझा याद है ना। अरे हम दोनों जरा महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे तो थोड़ी देर होने के लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, राम राम, राम राम साहब। वो मोर्चे का निकला यहाँ से, जो करना है करो, मोर्चे का मुझे नहीं पता। कहीं साले ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है और मेरे को झूठ बोलता है, उल्टे सीधे बहाने बनाता है। हाँ भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ है। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा, और अपनी माँ को भी देखा ना तो भी फोड़ दूंगा। चल जा, निकल ऐसे। मौका मिलने दो। ओए, उल्टा देख। चलो आप लोग चलो काम पे। ओए मोटे, बात सुन, तेरे पास पैसा है? पैसे ये 20 पैसा है, चाहिए? अरे नहीं यार, वर्करों को देना खाने के लिए। वो राम भरोसे होटल में हमने खाता खोला था, पैसे नहीं दिए तो उसने बंद कर दिया। बाद में शिव शक्ति भोजनालय में खाता खोला तो उसने भी आज से देना बंद कर दिया हम लोग को। कितना देना है वहाँ? उसका तकरीबन 3,000। 3,000 देना है? मेरे पास मेरी एक कमर की चेन है, सोने की है, अगले हफ्ते तक काम चल जाएगा लगता है। सोने की चेन, उसमें तो आराम से 1.25 महीना निकल जाएगा, दो ना। एक मिनट आंटी, मैं रखा हूँ। ये आपके कमर की चेन है? हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे पहनाई थी, अभी अभी ये माँ की अलमारी से चुरा के लाया। इसमें तो मुश्किल से सिर्फ 3 दिन निकल पाएगा, वो भी आधा पेट। हाँ, 3 दिन काम चला। ठीक है सर जी, पता है भाऊ, आज से नए कमिश्नर ने अपना ओहदा संभाल लिया है। तुझे नाना जी टांग, इससे पहले कि वो ऑफिस के कमीने मेरे बारे में बुराइयां करे, मैं जाके कमिश्नर से मिल लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, और अपना चेक जाके ले लेता हूँ। गन्ने वाला रस्ते भूल गए। ए सुन सुन, इतना बेटे बात सुन, चोली के पीछे क्या, चल बे। ए, 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 सुन सुन सुन, सुना है नया कमिश्नर आया? हाँ, मेरे को मिला ना उससे, पूछना पड़ेगा। अरे यार, तू सिर्फ अंदर जाओ, मेरी अच्छी अच्छी तारीफ कर, बस कुछ भी पूछे ना तो सिर्फ अच्छा ही बोलना बस। ओके जा अंदर, कुछ खत्ता बन देगा? अरे मैं दूंगा ना तेरे को, जा जा। जा, तेरा काम हो गया। अरे उधार है तेरे को, दूंगा दूंगा तेरे को। कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले, कम इन। मिस्टर टिचकुले, शायद आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान को आजादी मिले 62 साल हो चुके, आज भी इस देश में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। पता है क्यों? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, जो इस देश के विकास को नीचे लेकर जा रहे हैं। इस देश की सड़कें और सार्वजनिक इमारतें आपकी जेबें भरने के लिए नहीं है। मिस्टर टिचकुले, आपको बैठना है, बैठ सकते हैं। नहीं मैडम, मैं बैठ जाऊंगा, आप बोलते रहिए। एमजी रोड, स्टेशन रोड, भगत सिंह रोड, वहां पे 3 पुलिया बनाई है तुमने। किसी इंजीनियर को घूस देके, अपना काम करवा के अपना बिल और चेक हासिल कर लिए, लेकिन वो चेक बैंक तक पहुंचे उससे पहले एक भारी भरकम बैलगाड़ी उस पुलिया के ऊपर से गुजरी। पुलिया और बैलगाड़ी दोनों नाले में, इसीलिए हमने तुम्हारा पेमेंट रोका और तुम कोर्ट तक जा पहुंचे। तुम शायद कोर्ट में जीत भी जाओ, पर अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? गनपुले मैडम, आपको कितना वक्त हुआ सौदे पे आए हुए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेना है, अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती तुम। इस देश के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर का कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता। सुनिए मैडम, ये पेन रखिए, आपको बताता हूं। पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1,00,000 रुपया होता है, इसमें से 25,000 रुपए म्युनिसिपैलिटी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है।
10 से लेके 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं और चेक पाने के लिए मुझे उतना ही पैसा अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो जाते 75,000 और उसके बाद बचते 25,000। आप चाहती है कि उस 25,000 के अंदर मैं एक मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं, और मुझे क्या मिलेगा? तंबोरा, माँ का मंगलसूत्र, पिताजी की घड़ी गिरवी रख के पुलिया बनाकर देश का विकास नहीं करना मुझे। इससे पहले कि तुम मुझे सिखाओ कि देश के नागरिक का फर्ज क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ। बाहर जाके देखो, फाइलों का पहाड़ पड़ा हुआ है, धूल जमी हुई है उसपे। अगर उसमें से आधी भी तुम इस जन्म में क्लियर कर जाओगी ना, तो पता चलेगा कि कितनों की मौत हो चुकी है और कितने तो आत्महत्या ही कर चुके हैं। अपने फायदे के लिए तुम लोग ही रिश्वत को बढ़ावा देते हो। तो फिर ऐसे लोगों को ही काम पे रखो ना जो साफ सुथरे हो, ये रिश्वत खोरों को निकालो। मैडम एक बात बताता हूँ, खाली चोर डाकू इस देश में शांति से रह सकते हैं, बस। मैं तुमसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठी। तुम जो कह रहे हो उससे कोई वास्ता नहीं है मेरा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि म्युनिसिपैलिटी को पैसों की बड़ी तंगी है, इसलिए तुम्हें अपना केस वापस लेना चाहिए। तो ठीक है, मेरा चेक निकालो, निकालो वापस दो। उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये भूखा लंका गुजारा कैसे करेगा? अगर ये केस वापस नहीं लिया तो ये धमकी किसी और को देना, समझे ना मैडम? एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम अपने आप को इतना नीचे कैसे गिरा सकते हो? तुम तो गांधीवाद को गले लगा के न्याय, नीति और इंसाफ की बातें करते थे, कहां मर गई वो सब चीजें? टीचर का इंसाफ करो, मैनेजमेंट को साफ करो, बस टीचर का नाम है, मैनेजमेंट का नाम है, पैसा खाया, हतम किया, फिर टीचर को बदनाम किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले साल मैनेजमेंट ने अपने 3 टीचर्स को ये बोल के निकाल दिया था कि स्टाफ ज्यादा हो गया है, और यही कहानी इस साल भी दोहराई जा रही है। और इस बार हमारी टीचर गीता भोसले पर निशाना लगाया जा रहा है। 2 साल पहले डोनेशन के नाम पर पैसा देकर इन्होंने नौकरी पाई, पैसे देने के लिए इन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया, और अब स्टाफ ज्यादा हो गया बोलकर इनको निकाला जा रहा है। इस तरह की शोषण खोरी बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। हम सबको एक साथ मिलकर आंदोलन करना चाहिए। हमारा आंदोलन मतलब अहिंसा और शांति। हम सबको एक ही छत के नीचे होके इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। प्रिंसिपल ने चेतावनी दी है, अगर हड़ताल करोगे तो सजा मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सब स्टूडेंट को एक हो जाना चाहिए। फिर बोलो मैनेजमेंट को, हम सबको निकाल के दिखाए। तुम सब मिलके बाकियों को समझाओ। मैं गहना से बात करके आता हूँ, उसको कहता हूँ सारी लड़कियों को समझा, ठीक है? खाली यही बात करना, कुछ और नहीं। चल सर, है ना? वो 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 वेट वेट वेट, चलो मैं आती हूँ। मेरा भाषण कैसा लगा? तुम्हारी आंखें देखकर पता चलता है तुम पूरी रात सोए नहीं। क्या मतलब? पूरी रात भाषण लिखकर रट्टा मारोगे तो यही हाल होगा ना। तो एक काम करो, पूरी रात भाषण तुम लिखो, रट्टा मारो और कल सुबह बोल के दिखाओ मुझे। मुझे कोई शौक नहीं नेता वेता बनने का। नहीं नहीं, मुझे भी कोई शौक नहीं है नेता बनने का, लेकिन जब भी सच्चाई और इंसाफ की बात होगी मैं आगे रहूंगा। मेरे बाबूजी गांधीवादी हैं और मैं उसी मार्ग पे चलूंगा। तुम मेरी मदद करो बाकी लड़कियों को समझाने में, क्योंकि लड़कियां हमेशा हड़ताल खराब कर देती। वो तो हर एक के विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं। सचिन आ रहा हूं ना, शांति से बात भी नहीं करनी। okay, और सुनो, शाम को छोड़ता हूँ घर पे। ओके, ध्यान रखो अपना। हाय, क्या हो रहा है यार? मैनेजमेंट पूरा हिल गया है, ज्यादातर स्टूडेंट तैयार हो गए हैं परीक्षा नहीं देने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अब यूनिवर्सिटी वाले मैनेजमेंट से पूछेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो मैनेजमेंट वालों को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या हुआ? लड़कियों का एक ग्रुप परीक्षा देने की फिराक में है। चला, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी यार। अगर कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देने जाएगा तो बाकी सारे स्टूडेंट पीछे पीछे आएंगे उसके, और अपनी हड़ताल पानी में फिर जाएगी। और पता है सबसे पहले कौन जाने वाला है? कौन? तेरा माल, गहना, गणपोले। नहीं नहीं, वो नहीं जाएगी, मैं उससे बात करता। ए, गहना, 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 गहना। कल मैंने तुमको मना किया था ना एग्जाम देने के लिए। सचिन मैं क्लास जाना बंद कर सकती हूँ, एग्जाम्स में नहीं, ये मेरा हक है। नहीं तुम अंदर नहीं जा सकती, सब लोग जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर तुम मेरी इज्जत का फलूदा नहीं निकाल सकती ऐसे। इज्जत की बात कहाँ से आ गई? किसी को पढ़ाई करना पसंद है, किसी को नहीं। अगर मैं परीक्षा नहीं दूंगी तो नुकसान मेरा होगा, मैं तुम्हारी तरह कोई राजा महाराजा के खानदान से नहीं हूँ। मेरे बाबा ने बहुत संघर्ष किया है मुझे पढ़ाने के लिए, अगर उन्होंने पूछा परीक्षा क्यों नहीं दी तो क्या जवाब दूंगी? हड़ताल के लिए नहीं, आदर्शों के लिए। कौन से आदर्श?
जो इस देश को चला रहे हैं उनके कोई आदर्श नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स क्यों आदर्शों के पीछे पीछे भागे? मैं जा रही हूँ क्लास में। अगर तुम क्लास के अंदर गई तो ये सारी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे दुम दबाती आएंगी। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना नहीं जा सकती तुम। मैं जाऊंगी। सिर्फ मेरे अकेले के आदर्शवादी बनने से यह देश नहीं बदलने वाला। मैं सिर्फ अपना गुजारा कैसे करूं उसी की चिंता करता हूं। गुजारा करने के लिए और भी कई रास्ते हैं। तबीयत तो अभी भी अच्छी खासी है। हल चलाकर खेती कर सकते हो, कुली बन सकते हो, मच्छी बेचो। अभी तुम जो कर रहे हो उससे तो कई ज्यादा अच्छे काम है ये। बकवास बंद करो, संभाल के बात करो। अपनी कुर्सी का रोब तुम मुझे मत दिखाओ, समझी ना? याद रखना, सचिन टिचकुले पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये केस मैं आगे तक लेके जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। चाइला, इस म्यूनिसिपैलिटी को खोद खोद के ना तालाब बना दूंगा, उसमें तैरती हुई नजर आओगी तुम। देखते हैं। हाँ, देख लेना। ए, फाइल। ओ। ए, तुम में से बिरयानी किसने खाया रे? बिल तुम लोगों का बाप भरेगा। हाँ, बहुत आती है ना औरतें भोजनालय में। साला, अरे साला फीस मांगेगा, मैं देख के आता हूँ। सचिन। हाँ, कौन बोला? सचिन, आप ही के बारे में सोच रहा था, 200 साल जियोगे कसम से। हाँ बोलिए। आज केस का फैसला था ना कोर्ट में, आप नहीं आए? हाँ, वो इसलिए आपसे मिलने आना था मैं। क्या हुआ? हार गए? नहीं, सचिन टिचकुले केस जीत गया। नहीं। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। और सचिन टिचकुले का झंडा लहरा दिया। अरे, नाना जी टांग। अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। पहली बार है ना। ए, चुप रे, आराम। अरे, उनके वकील ने कहा म्युनिसिपैलिटी वाले के पास पैसे नहीं है, तो जज ने कहा उसका रोड रोलर आपको दे दो। रोड रोलर मेरा बड़े दिनों में खुशी का दिन। ए, सुना रे, ए, दत्कार, इधर आ, ए, अपना, वैशाली, इधर आ, इधर 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 आ, अपने पास अभी खुद का रोड रोलर होने वाला है। किचकी 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 किचकी, फिर अपने को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी फीस? हाँ, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद टिचकुले का नाम इस देश में बड़े कॉन्ट्रैक्टर टाटा के साथ जोड़ा जाएगा। टी फोर टाटा, टी फोर चाचा, टी फोर टिचकुले टाटा, टिचकुले टाटा। मेरी सड़कें भी अभी स्टील की होंगी। अरे उसको छोड़ो ना भाऊ, ये तो जश्न मनाने का टाइम है। अरे